वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 7 टीम्स के स्क्वाड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब बचे 3 स्क्वाड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश में कौन सी बड़ी कहानियां हैं और कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं? चलिए देखते हैं इन टुडेस वीडियो ऑफ वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू। न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी डिवाइन ने इस वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस किया है कि ये उनका T20 कैप्टेंसी करते हुए आखिरी टूर्नामेंट होगा। डिवाइन ने अपने लीडरशिप में न्यूजीलैंड टीम को कई सफलताएं दी है, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद उनका फोकस सिर्फ अपने ऑलराउंडर रोल पर रहेगा। तो चलिए नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के पूरे स्क्वाड पर। न्यूजीलैंड को एक मेजर बूस्ट मिलेगा जब फास्ट बॉलर रोज़मेरी मेयर T20 वर्ल्ड कप के लिए वापसी करेगी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ बैक इंजरी जो उन्हें मार्च में इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में हुई थी। कैप्टन सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स अपने 9th T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अभी तक सभी एडिशंस खेले हैं। रोज़मेरी मेयर की बात करें तो इनके नाम 24 T20Is में 18 विकेट शामिल है। न्यूजीलैंड की पेस अटैक को यह और स्ट्रेंथन करेगी जहां उनका साथ देगी एक्सपीरियंस बोलर जैसे लिया टाहोहू, जेस्कर, हेनारो और मोली पेनफोल्ड। स्पिन डिपार्टमेंट में ली कैसबर्ग, अमेलिया कर, फ्रैन जोनस और इडन कार्सन अपने वेरिएशन से अपोजिशन को कंफ्यूज करने के लिए तैयार है। स्कॉट काफी एक्सपीरियंस्ड है जिसमें विकेट कीपर बैटर इजी गेस इकलौती ऐसी प्लेयर है जिन्होंने पहले कभी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला है। न्यूजीलैंड अपने वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप गेम्स खेलेगी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो होगी 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को। वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट 4 अक्टूबर को खेलेगी। ये वर्ल्ड कप सोफी डिवाइन के लिए T20 कैप्टन के रूप में आखिरी असाइनमेंट होगा, इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई है कि वो अपने कैप्टेंसी को एक हाई नोट पर एंड करे। श्रीलंका के स्क्वाड की बात करें तो जैसे एक्सपेक्टेड था, श्रीलंका की इंस्पिरेशनल लीडर चमारिया टापटू इस यूनिट को लीड करेगी। स्क्वाड मोस्टली वैसा ही है जिन्होंने इस साल जुलाई में श्रीलंका को उनका पहला वुमेन्स एशिया कप टाइटल जिताया था। टीम में बस एक एडिशन होगा, इनोका रणवीरा का। इनोका रणवीरा ने श्रीलंका के लिए लास्ट T20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 में खेला था और उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन UAE के विकेट्स के लिए परफेक्ट फिट है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस टीम के लाइनअप को एक एज देगा। अगर श्रीलंका के पिछले 18 महीनों से परफॉर्मेंस के देखें तो उनका फॉर्म जबरदस्त दिख रहा है जिसमें उन्होंने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को सीरीज में हराया और अपना पहला एशिया कप टाइटल भी जीता। इसके अलावा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 में भी उनका अनबीटन रन रहा। अटापटू जो श्रीलंका की हाईएस्ट रन गेटर है, इस फॉर्मेट में उनसे तो सभी के एक्सपेक्टेशंस हाई है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस ने दिखाया है कि टीम के और प्लेयर्स भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। कविश अदिलारी उन्हीं में से एक प्लेयर है जिन्होंने एशिया कप में 12.33 के एवरेज से 9 विकेट्स लिए और इवेंट की सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही। बैटर्स में विश्मी गुणरत्ने और हर्षिता समर विक्रमा ने टॉप ऑर्डर में अटापटू को सॉलिड सपोर्ट दिया है। आयरलैंड टूर के दौरान दोनों ने सेंचुरीज भी मारी थी। श्रीलंका ग्रुप ए में है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ और अपना कैंपेन 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू करेगी। आगे बढ़ते हुए अब हम बांग्लादेश की स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वुमेन्स क्रिकेट जोन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। निगर सुल्ताना ज्योति की कैप्टेंसी में बांग्लादेश की टीम स्पिन ऑप्शन से भरी हुई है जिसमें लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक बोलर सभी शामिल है। महिदा अख्तर, शौरना अख्तर, रबिया खान, सुल्ताना खातून और फहीमा खातून स्क्वाड के स्पिन अटैक की बैकबोन है जो टीम के लिए क्रूशियल होगी। दूसरी तरफ यंगस्टर मरूफा अख्तर, जनारा आलम पेस डिपार्टमेंट संभालने की जिम्मेदारी उठाएगी। एक मेजर एब्सेंस है एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर रुमाना अहमद का जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप बी में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के साथ कम्पीट करेगी। बांग्लादेश का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 2014 में था जब उन्होंने आयरलैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट जीत हासिल की थी। इस साल के वर्ल्ड कप में उनका पहला मैच स्कॉटलैंड के अगेंस्ट होगा जो टूर्नामेंट ओपनर होगा शारजा में 3 अक्टूबर को। अब सभी टीम्स के स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो गए हैं। किस टीम का डोमिनेंस इस टूर्नामेंट में दिखेगा, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू में।